वेलकम बैक। आज हम एक मैकेनिकल कंपोनेंट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे जो कि हर एक टॉय में आपको मिलता है। जैसे ट्रैक्टर का फर्स्ट टायर जल्दी रुक गया था और जो बैक टायर है वो बाद में थोड़े टाइम बाद उसको रुका था, तो ऐसा क्यों हुआ उसके लिए एक मैकेनिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए ट्रैक्टर को ओपन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आगे का टायर जल्दी रुक गया था, पीछे का थोड़े टाइम बाद रुका था। ठीक है, तो इस ट्रैक्टर को ओपन करने के लिए इसमें बेसिकली तीन लॉक है, 1, 2, 3। आप सिंपल स्क्रू ड्राइवर के इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर का पोर्शन निकल गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि अंदर क्या है मैकेनिज्म। ये इसका ऊपर का पार्ट है। यहाँ पे देखिए एक व्हील लगा है छोटा सा, ये व्हील। जैसे ही हम इसको स्पीड में करते हैं ऐसे, तो देखिए व्हील घूमता रहता है और आगे वाला व्हील स्टॉप हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही हम इसको आगे घुमाते हैं तो व्हील एनर्जी स्टोर करता है। जैसे ये व्हील रोटेट होता है तो हमको पता है इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इस व्हील में स्टोर हो जाती है, छोटा सा मेटल का व्हील है उसमें स्टोर हो जाती है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे गियर लगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो गियर लगे हैं। ठीक है, तो रिवर्स एनर्जी जाता है जब भी ये एनर्जी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, हम सप्लाई करना बंद कर देते हैं तो यहाँ से ये फ्लाईव्हील, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं छोटा सा फ्लाईव्हील, ये एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी रिलीज करता है और वो रिवर्स में ये व्हील जो छोटे छोटे गियर लगे हैं थ्रू ये रियर टायर में जाती है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी सप्लाई होती है विदाउट एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनर्जी इसमें स्टोर कर दी है। तो ये छोटा सा सिंपल मैकेनिज्म है, आप हर एक टॉयज में आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, बहुत ही बट यूजफुल है अगर आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट में ऐसे यूज़ करना चाहते हो कि एक बार आपने पावर दे दिया और बाकी थोड़ी देर चलता रहे वो सिस्टम, तो वो आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जैसे आईसी इंजन में यही होता है, उसमें स्ट्रोक होते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है, उसमें फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करता है और बाकी जो स्ट्रोक होते हैं उसमें एनर्जी को सप्लाई करता है। तो बेसिक्स वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी है, आप इसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई भी प्रोजेक्ट में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।